Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हाय कृष्णा माता जी एवरीवन प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम वांछा कल्पत्रु ग्रस्त कृपा सिंधु वै वचन पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम अज्ञान त्रिमिनांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर उन्मीतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने देवी प्राणमामि हरि प्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् उदीर्येत् नष्टप्रायेषु अपद्रेषु नित्य भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी हरे कृष्ण ओम शिवाय कृष्ण तो आज हम श्लोका सेकंड कैंटो में हैं हम सेवेंथ चैप्टर चल रहा है और आज हम 19वां वर्स कर रहे हैं तो एक 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 30 सेकंड के लिए हम देखते हैं कि 18 वर्स में हमने क्या सीखा लास्ट में पॉपर्ट में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें बलि महाराज की टीचिंग्स हमको क्या सिखाया बलि महाराज ने हमको वो फॉलो करना चाहिए अगर हमको भगवत प्राप्ति चाहिए हाँ अगर हमको भगवान का प्रेम चाहिए तो कैसे उन्होंने अपना लोक सरेंडर कर दिया बिना कुछ सोचे हाँ सब कुछ भगवान को दे दिया सोचा नहीं उसने जबकि उनके गुरु ने कहा कि नहीं नहीं करो कुछ भी मत सुनो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया है ये आपकी संपत्ति लेने आया है आप पर उन्हें पता था कि जब मैं सरेंडर करूंगा तब मैं ज्यादा हैप्पी रहूंगा मैं ज्यादा आनंद में रहूंगा और उन्होंने वो किया और तब उनका अपना भले उनको अपना लोक देना पड़ा पर उनको क्या मिला भगवत प्राप्ति मिली तो हमें बलि महाराज की टीचिंग्स फॉलो करनी चाहिए तो आज हम नेक्स्ट वर्स में आ रहे हैं 19th वर्स में तुभ्यं च नारदा वृष्यं भगवान विरिद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानं च भागवतं आत्म सत्तत्वदीपं यद्वासुदेव शरण विदुर अञ्जसेव तुभ्यं च नारदा वृष्यं भगवान विविर्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतं आत्म सत्तत्वदीपं यद्वासुदेव शरण विदुर अञ्जसेव Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. O Narada,
यू वर थॉट अबाउट द साइंस ऑफ गॉड एंड हिज ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस बाय द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इन हिज इनकार्नेशन ऑफ हंस अवतार. He was very much pleased with you due to your intense proportion of devotional service. He also explained unto you lucidly the full science of devotional service, which is specially understandable by persons who are souls surrendered unto Lord Vasudeva, the personality of Godhead. Hare Krishna. Purport हम समझेंगे और अगर टाइम मिले तो हम पर्पट पढ़ेंगे लास्ट में. पहले हम जो भी पर्पट्स में पॉइंट्स भगवान श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं ये वर्स के थ्रू, पहले हम वो समझ लेते हैं और लास्ट में हम पर्पट पढ़ेंगे, ताकि हम कोई भी पॉइंट अगर रह गई हो तो हम उस पर्पट पढ़ के हम कवर अप करेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्पट है. हाँ, जब मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी और चक्रवर्ती दास प्रभु जी का, तो दोनों ने ये बहुत सेम मेंशन किया है कि ये पर्पट, ये दोनों पैरा प्रभुपाद ने कितने अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया है. इन है दो पैरा, हाँ, ये भक्ति कैसे मिलेगी और हम सरेंडर कैसे रहेंगे, इसमें तो ग्रंथ बोलते ना बुक्स लिखे जा सकते हैं, पर प्रभुपाद जी ने हमको इतनी सरल से ये दो पैरा से हमको बताया है कि भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान का कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा. मेन इम्पोर्टेंट ये वर्ड ये पूरे पर्पट में, ये श्लोका में है कि सरेंडर, आत्मनिवेदन कैसे करना चाहिए. जब हम आत्मनिवेदन करेंगे तभी ही हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, नहीं तो नहीं. जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन दो ट्रैक्स में चलती है, एक ट्रैक में नहीं चलती है. जब जैसे और एक एग्जांपल दे सकते हैं कि दामोदर लीला में, हाँ, क्यों दो उंगल छोटी पड़ रही थी, दो, एक क्यों नहीं, दो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टू वर्ड, क्योंकि जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, डिटरमाइंड नहीं रहेंगे, हाँ, तब तक भगवान भी हमको मर्सी प्रदान नहीं करेंगे. हम बहुत, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमको सब, हम सबको बोलते हैं, हमारी आदत है, अच्छी आदत है, हम हमेशा भक्तों को बोलते प्रभु जी माता जी प्लीज प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए, हाँ, कि मैं आगे भक्ति में बढ़ूं, मुझे कृपा कीजिए. तो क्या खाली कृपा की जरूरत होती है क्या? होती है, जरूर होती है, पर उससे पहले क्या है? हमारा डिटर्मिनेशन. हाँ, डिटर्मिनेशन है नहीं, बहुत अच्छे से बताते हैं प्रभु जी वहां पे, डिटर्मिनेशन है नहीं, चैंटिंग करने का लोभ है नहीं, बाकी सब दूसरों चीजों का लोभ है, और हमको खाली मर्सी चाहिए, मर्सी चाहिए, प्रभु जी दे दीजिए, दे दीजिए, दे भी दिया. वो बोलते ना भगवान तो दे रहे हैं, बाएं फैला के दे रहे हैं कि लो लो लो, हाँ कृपा लो, पर क्या हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? क्या हम डिटरमाइंड हैं? हमको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हाँ, तो मैं थोड़ा मटीरियली भी खुश हो जाऊं, थोड़ा मैं स्पिरिचुअली भी खुश हो जाऊं, हाँ, दोनों में साथ साथ चलती हूँ, हाँ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर. पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, कि ये नहीं हो सकता है, थोड़ा थोड़ा नहीं हो सकता है. जैसे बोलते हैं ना, एक हाईवे होता है, वहां पे एग्जिट बहुत दूर दूर तक के बाद आता है, हाँ, या तुम एग्जिट ले लो या सीधे चलो, फिर आधे घंटे के बाद या एग्जिट ले लो या सीधे चलो. तो हमको भी यही है, हाँ, दो चीजों में से हमको एक चूज करना है, या माया के पास रह जाओ या भगवान के पास रह जाओ. ऐसे नहीं हो सकता है कि मैं इधर भी टर्न करूं उधर भी टर्न करूं, नहीं हो सकता है. यू हैव टू चूज वन. और जब कैसे चूज होगा? जब हम डिटरमाइंड रहेंगे. हाँ, मर्सी तो भगवान की भक्तों की सबकी मर्सी है, पर क्या वही है, हम डिटरमाइंड है, हमने सरेंडर कर लिया है? तो वो बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम 100%, हाँ, 101% क्या भगवान के प्रति हम फेथफुल हैं? अगर 99% भी है ना, तो भी हमारा 1% कम है. उस 1% पे हमको विचार करना चाहिए कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं, कहाँ हमारी जो निष्ठा है रह गई है पीछे, और कैसे मुझे वो सुधारना चाहिए, कैसे मुझे वो 1% का गैप भी फिल करना है, ताकि मैं 100% सरेंडर्ड रहूं.
क्योंकि जब तक हम 100% सरेंडर नहीं होते हैं तब तक भगवान अपनी मर्सी अपना अपना ब्लेसिंग्स हमें नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको थोड़ी सी फ्रीडम दी है, थोड़ी सी, हाँ ये बहुत जरूरी है सोचना कि थोड़ी सी, और उस थोड़ी सी में भी अगर जो नॉलेजेबल पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, तो वो सोचेगा थोड़ी सी में भी क्या हमको भगवान ने दी है, यही खाली सोचती है कि दो में से चूज करो, या मेरे पास आओ या माया के पास जाओ। तो एक हमको चूज करना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और हमको इंटेलिजेंटली हमें चूज करना चाहिए कि क्या हमें बार बार रिपीटेड बर्थ डेथ सफरिंग ओल्ड एज डिजीज बर्थ डेथ ये चाहिए कि हमको भगवान प्राप्ति चाहिए, जहाँ पे हमारा जब हमारी आत्मा इटर्नल हैप्पी आनंदमयी रहेगी, नहीं तो बार बार हम इस धरती पे आते रहेंगे और भोगते रहेंगे जो हमको लगता है। जैसे मटीरियली अटैच्ड पर्सन जो माया में होता है वो तो बोलता है कि हाँ ठीक है, कभी दुख है कभी सुख है, यही तो लाइफ है, नहीं तो कैसे चलेगा। तो मुझे इधर धरती पे आना बहुत पसंद है, क्या ही है, पर नहीं, हम ऐसे बोलते हैं, पर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब बीमारी आती है, जब हमारे दांत गिरने लगते हैं, तब क्या होता है, फियर होना चालू होता है कि कब मरूंगा, आज मरूंगा कल मरूंगी कब मरूंगी, वो फियर होता है। पर जब जो आत्मनिवेदन करता है, जो सरेंडर होता है, उसको मालूम है कि शरीर तो आना जाना है, हाँ शरीर तो आएगा जाएगा, पर हमारा इटर्नल क्या है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम इटर्नल है, हमारी सोल कभी नहीं मरेगी, हम भगवान के बच्चे, वी आर पार्ट एंड पार्सल। तो उनको मौत से भय नहीं होता है, क्योंकि वो मालूम है उनको कि जहां भी भगवान हमें भेजेंगे, उनका क्या होता है हमेशा थिंकिंग कि हम हमेशा भगवान को याद करें और हम उनकी सेवा करते रहे, ये उनकी इच्छा होती है और कुछ इच्छा नहीं होती है। और इस इच्छा से, क्योंकि वो 100% सरेंडर है भगवान के लिए, तो उनकी उनका ये भय, मौत का भय उनको लगता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा हमेशा अमर है। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग रहेगी और जब हम 100% भगवान के प्रति सरेंडर होंगे, तब ये भय चला जाएगा, नहीं तो यही है कि सुख और दुख आना जाना है और हमें ये सब भोगना है। और प्रभुपाद जी, भक्ति चारु स्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी इतने मर्सीफुल हैं, इतने ग्रेट हैं कि हमने सब बहुत बार ये पढ़ा है पॉपर्स में, कोटेशंस में, कि प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे लिए रो मत, मैं तो खाली शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो हूँ, आप सबके बीच में हूँ, अगर आप मुझे सच्ची में पसंद करते हो और तुम्हें सच्ची में मेरा से लाभ चाहिए, तो मैं तो बुक्स के अंदर हूँ, आप एक बुक उठाइए मेरी पढ़िए और मैं वहां पे साक्षात वहां पे रहूंगा। तो बोलता आई एम देयर अलाइव इन माय बुक्स, हाँ, और मैंने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ सब्सटेंस दिया है कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बुक्स पढ़िए मेरी, आपका हर जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। पर क्या हम इतने सरेंडर्ड हैं, क्या हम प्रभुपाद के सब बुक्स लेक्चर्स पढ़ते हैं? अगर भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर पढ़े होते या पढ़ते हैं तो वो सोल्स ग्रेट सोल्स हैं और वो 100% भगवान के प्रति सरेंडर्ड है। तो हमें भी ये विचार करना चाहिए कि हमको अगर मर्सी चाहिए भगवान की, तो हमको फर्स्ट अपने आप में डिटरमाइंड होना चाहिए। जैसे उसमें प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि सब भक्त बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आप इतने सरल तरीके से कैसे लिख पाते हैं, हाँ, तो बोलते हैं कि अरे भगवान तो मुझे खुद हाँ आके डिक्टेट करते हैं। तो एक प्रभु बोलते हैं डिक्टेट करते हैं यानी आपके मन में जो आते हैं भगवान आपको बताते हो और आप लिखते हो, तो बोलते हैं नहीं, भगवान स्वयं मुझे बोलते जाते हो और मैं लिखते जाता हूँ, बोलते जाते हैं मैं लिखते जाता हूँ। तो हमको ये इम्पोर्टेंस हमने पढ़ा होगा, सुना होगा बहुत बार, पर इसकी गहराई क्या है, यानी प्रभुपाद जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, या खाली वो ये नहीं बोल सकते कि वो परम परम आचार्य थे, नहीं, वो भगवान के ही
एक अंश है, भगवान के ही रूप है, एक आचार्य के फॉर्म में आए हमको, हम जो बोलते हैं ना, हम दूषित आत्मा, हम सब जो हैं ना, जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, हमको निकालने के लिए प्रभुपाद जी ने हमारे पर कृपा करने के लिए हाँ ये अवतार लिया है, हाँ, और हमको इतनी सरल तरीके से समझाया है। तो जो अज्ञानी है, भगवत गीता का वर्ड सबने सुना होगा, हर इंडिया में हर इंसान भगवत गीता बुक होती है, सब जानते हैं, पर भगवत गीता का ज्ञान जो गहराई है, जो समझाना चाहते हैं प्रभुपाद जी, वो किसको मालूम है, किसको नहीं मालूम है। जैसे कृष्णा वर्ड भगवान इंडिया में लिटरली सबको आता होगा, बताता होगा, पर किसको मालूम है कि वो परम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा है। इवन मुझे नहीं मालूम था कि भगवान एक ही है। शादी से पहले जब मैं यहाँ, जब तक इस घर में नहीं आई थी, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, एक जैसे साईं बाबा होता है, गणपति बाबा होते हैं, वैसे ही सब भगवान है, तो कृष्णा भी एक भगवान है। पर मुझे ज्यादा विश्वास होता था हाँ गणपति बापा है, ये है, और कृष्णा भी एक होंगे भगवान, ठीक है। पर जब नॉलेज मिला तब मालूम पड़ा कि भगवान तो सिर्फ एक है और उनके सब रिप्रेजेंटेटिव्स है, डेमीगॉड्स है, हाँ, देवी देवता, जो उनके ऑर्डर से सब कुछ सेवा करते हैं उनकी। तो ज्ञान कितना जरूरी है। जब अज्ञानी होते हैं हम, तब हम सब चीजों में बिलीव कर लेते हैं, सब चीजों में बिलीव कर लेते हैं। वो ये हमको बोलता है हाँ 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 सही है सही सही, वो ये बोलता है हाँ ये भी सही है ये भी सही, पर सब सही तो नहीं हो सकता ना। तो बोलते हैं ना, द सेल्फ रियलाइज सोल्स, पॉपट में बताते हैं कि जो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं, उन्होंने आत्म दर्शन किया है, हाँ, उनको मालूम, उन्होंने तत्व दर्शन किया है, उन्होंने देखा है। इसीलिए हमको ज्ञान किससे प्राप्त करना चाहिए, जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स हो, जैसे प्रहलाद महाराज, हाँ, ध्रुवा को, हाँ, कहाँ कौन से गुरु मिले थे, नारद मुनि मिले थे, जहां से उनको प्रॉपर नॉलेज मिला था, हाँ, और वो भगवान प्राप्ति उन सबको मिली। तो हमको भी किसको अप्रोच करना चाहिए, जो 100% सरेंडर्ड हो भगवान के प्रति और जिसको पूरा नॉलेज हो, तब जब हम उनके पास जाएंगे, उनका एसोसिएशन लेंगे, तब हमें मर्सी मिलेगी। पर हम वो और बताते हैं पॉपर्ट में, भगवान एक्सप्लेन, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे नहीं है। हम बहुत लोग क्या होते हैं पैरासाइट हो जाते हैं। हम जो लोग, जो नए नए डिवोटीज आते हैं, हम अपने आप को डिवोटी समझते हैं कि चलो मैंने तो 16 माला कर दी, मैं तो रोज रीडिंग करता हूँ, पर वो क्या है, पैरासाइट्स हैं। कैसे पैरासाइट्स हैं, प्रभु जी बताते हैं कि अगर कोई हमें पुश करेगा, हाँ, कोई हमें धक्का मारेगा, तब हम करते हैं। और वही अगर गुरु और जो डिवोटी है, अगर हमारे नजर से दूर चला जाता है, तो हम वापस भौतिक चीजों में लग जाते हैं। तो हमें पैरासाइट नहीं होना है, हमें लॉर्ड और भगवान और गुरु की नॉलेज पाकर हमें चीटिंग नहीं करनी, हाँ, हमें अपने आप को सरेंडर करना है। वो भी बताते हैं, अगर हमने गुरु और भगवान का आश्रय लेके नॉलेज प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, और अगर हम अभी सोचते हैं कि ये नॉलेज मैं बाहर जाऊंगा, सबको बांटूंगा, पब्लिक को पागल बनाऊंगा और पैसे इकट्ठे करूंगा, पर भगवान बोलते हैं ना, अगर हम शाणे हैं तो भगवान डेढ़ शाणे है, हाँ, क्योंकि वो हमारे माँ बाप है। तो अगर हमने चतुराई की, हम समझते हैं कि हम बहुत बोलते हैं ना स्मार्ट हैं, तो भगवान हमारे से भी स्मार्ट है। तो जो नॉलेज जो हमने गेन किया है, अगर हम वो चीटिंग प्रोपेंसिटी में लेके जाते हैं, तो हमारा वो नॉलेज आस्ते आस्ते भगवान दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान के पास तो वो शक्ति है, देने की शक्ति है तो लेने की भी शक्ति है। तो वो नॉलेज हमको सही तरीके से यूज करना चाहिए, बहुत अच्छे से बताया है, हाँ? देन तब हमें ये त्याग करना, तब हमें ये सरेंडर करना। कैसे? जब ये नॉलेज प्राप्त होता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि हमें 100% सरेंडर कैसे करना चाहिए। जैसे बहुत एग्जाम्पल है कि बच्चा 20 साल का बच्चा हो गया, माँ बाप उनको पालते हैं,
और 20 साल की उम्र में माँ बाप बोलते हैं कि बेटा अभी तुम चले जाओ हमारे घर से। तो बच्चा बोलता है क्यों क्यों चले जाओ? तो बोलता है कि आज हम आपको सच्ची बात बताते हैं। तो बेटा बोलता है क्या सच्ची बात बता रहे हो? तो माँ बाप बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। हाँ, हमको 20 साल से कोई पैसे दे रहा था मंथली आपको संभालने के लिए, और अभी हमें पैसे मिलने बंद हो गए हैं, तो हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम आपको आगे और पाले, तो आप प्लीज चले जाइए। तो सोचिए बेटे को कितना दुख होगा ये सुनकर। यानी उसको पैसे मिल रहे थे इसीलिए उसके मम्मी पापा उसको पाल रहे थे, और पैसा मिलना बंद हो गया तो चलो निकलो यहाँ से। तो वैसे ही एग्जाम्पल ये है कि समझना चाहिए कि हमको पुश करके हम कितना ही आगे चलेंगे। अगर हमको भक्त पुश कर करके आगे बढ़ाएंगे, हाँ, अगर हम सरेंडर नहीं है भगवान के प्रति, तो और हम किसी और के वजह से हम आगे आ रहे हैं और अपना 100% सरेंडरनेस नहीं है इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, तो भगवान को कितना दुख होगा। इसीलिए भगवान पोपट में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने हमको ये थोड़ा सा परसेंटेज इंडिपेंडेंस दिया है। क्यों इंडिपेंडेंस दिया है? ताकि हम विचार करें, हम डिसाइड करें, खाली सिर्फ हम डिसाइड करें कि हमको कौन से पाथ में जाना है। भगवान को बोलते ना, भगवान को भीख नहीं चाहिए हमारी, हाँ, कि चलो चलो ये करो वो करो, ये करने से आप मेरे पास आ जाओगे। नहीं, तुम इच्छा करो, तुमको बुद्धि दी हुई है मैंने, तुम डिसाइड करो कि तुमको माया में रहना है कि मेरे पास आना है। हाँ, और मेरे पास आना है तो बहुत सरल वे है, हाँ, जो तुमको फॉलो करना चाहिए। एक तरह से सरल भी है, एक तरह से हार्ड भी है। क्यों हार्ड है? क्योंकि अगर सरल है हमको सरेंडर करना है, और हार्ड क्यों है? क्योंकि हमको अपना फॉल्स ईगो, हाँ, जो बोलते ना अहम अहम है, हम सब कुछ हम है, हाँ, जबकि प्रकृति बोलते ना गुण ही कर्माणी, हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। क्या हम सोचते हैं कि सब कुछ तो मैं ही हूँ, ये सब जो प्रकृति मैं ही तो चला रहा हूँ, आई एम द डूअर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। पर नहीं, प्रकृति कौन चला रहा है? थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। पर हमारा फॉल्स ईगो सबसे मेन, यही खतरनाक है, फॉल्स ईगो। मैं मी माइन आई, ये बहुत तीन खतरनाक शब्द है। तो इन तीनों शब्द को हमको छोड़ना पड़ेगा, हा? इसको छोड़ के, इसकी विरक्ति करके हमें अटैचमेंट करना है भगवान को, सरेंडर करना चाहिए भक्तों को, सरेंडर करना चाहिए गुरु के प्रति, सरेंडर करना चाहिए, तब हमें भक्ति प्राप्त होगी। और भक्ति, जब हमें ये ज्ञान आस्ते आस्ते मिलेगा, तब हमारा फेथ श्रद्धा और आगे आगे बढ़ेगा। जैसे 9 टाइप्स की भक्ति होती है, सबको मालूम है कि पहले पहले क्या होता है, श्रद्धा। जैसे प्रभुपाद जी खुद अपना एग्जाम्पल दे रहे थे कि मैं इतना सत्संग वत्संग में नहीं जाता था, पर जो मेरे फ्रेंड है नरेंद्र मलिक, वो बहुत एक बार जिद कर रहे थे कि आज ये वाले सत्संग में चलो, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी बोले नहीं, मैं बहुत जगह गया हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, मुझे नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुझे भी स्टार्टिंग में किसी से पुश मिला था, अगर मेरा दोस्त मुझे उस सत्संग में नहीं लेके जाता, अगर मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का लेक्चर नहीं सुनता, तो मैं क्या ही होता मेरा। तो पुश बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, प्रभुपाद जी बताते हैं, पर उस पुश का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी भर मुझे गुरु और भगवान, मुझे और मेरे भक्त आचार्य जो भी हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, मुझे धक्का मारते रहेंगे और मैं भक्ति करता रहूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। स्टार्टिंग में जैसे छोटा बच्चा है, हम छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं जब तक वो चलना नहीं सीखता है या जब तक वो मैच्योर्ड नहीं होता है, तब तक उसके माँ बाप उसके पालन पोषण करते हैं। पर हमने कभी देखा है क्या, क्या हम माँ बाप, हम सब माँ बाप हैं बच्चों के, कभी हम बड़े हो जाते हैं बच्चे, हम कभी पूछते हैं क्या उनसे, बच्चा नहाया क्या, बच्चा टूथपेस्ट किया क्या, बच्चा आपने खाया क्या? नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, हमने उसे सब सिखा दिया है। अभी आपकी इच्छा है, आपकी ड्यूटी है, आपका स्व इच्छा है, वो हम नहीं करें पूछेंगे कि अरे आज तूने पेस्ट किया कि नहीं, और नहीं किया तो तेरे दांत खराब हो जाएंगे। नहीं, अभी तुमको हमने बुद्धि दी है, नाउ यू डिसाइड,
हाँ, अगर आप यू विल नॉट ब्रश योर टीथ विल बी स्पॉइल्ड नन, वो किसका जिम्मेदारी होगा? वो तुम्हारा जिम्मेदारी होगा वो। हाँ, तो इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं है, तो इसमें गुरु और आचार्य की कोई गलती नहीं है। अगर वो बच्चा बड़ा होके भी खाली चाहिए कि मुझे हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए, तो ये बहुत गलत है। हेल्प नहीं मिल सकता है एंड तक। स्टार्टिंग में हेल्प मिल सकता है, स्टार्टिंग में सपोर्ट मिल सकता है, पर एंड तक अगर हम इच्छा करेंगे कि हमें कोई मर्सी दे देगा, कोई मेरे लिए प्रे करेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो रॉन्ग, वी आर वेरी रॉन्ग। हमें डिटरमाइंड होना चाहिए, हमारी इच्छा मन से आना चाहिए, मन से खुद की इच्छा होनी चाहिए। तब जब हमारा प्रयत्न देखते हैं ना भगवान और गुरु की, अरे ये बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है अपने मन को काबू में रखने के लिए, अपनी माया की चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तब मर्सी मिलती है। ऐसे ही फोकट में मर्सी नहीं मिलती है। भगवान बोलता है मैं इतना आ, आ, इतना आ, ऐसे ही मैं नहीं देता प्यार, इतना इजी नहीं है मेरा प्यार पाना, बहुत कुछ करना पड़ता है, इन सब चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब ये प्यार जो है मेरा, हाँ, इटर्नल है, ऑफ कोर्स है, सबके लिए प्यार है, पर जब तुम लायक हो जाओगे मेरे प्यार के लिए, तब मैं आपको वो प्यार भी दूंगा और अपने पास बुलाऊंगा भी। तो स्टार्टिंग में ये कहा गया कि हम स्वरूप में भगवान नारद जी को ज्ञान देते हैं, और क्यों ज्ञान देते हैं, हाँ, यह भी लिखा है कि क्यों हमस्वरूप में, जैसे यहाँ तो हमस्वरूप भगवान के अवतार में जो हर यहाँ पे इनकार्नेशंस बताए गए हैं यहाँ ये चैप्टर में, तो हमस्वरूप अवतार में भगवान नारद जी को ज्ञान देते हैं। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि बहुत सारे इनकार्नेशंस हैं, और इसमें जब सतयुग में भगवान, जैसे सतयुग में मेडिटेशन करना इम्पोर्टेंट था भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो वैसे सतयुग में हमस्वरूप में भगवान आते हैं और नारद मुनि को ये नॉलेज प्रदान करते हैं। और वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी जो नारद जी के पिता है, वो नॉलेज प्रदान करते हैं, जो हमारे परंपरा में बुक्स में सब में लिखा है कि हाउ ब्रह्मा जी द फादर ऑफ नारदा, हाँ, ये डिसाइपलिक सक्सेशन में आता है कि कैसे नॉलेज प्रदान करता है और कैसे नारद मुनि ऐसे चेन फॉर्म करके आगे आगे सबको देते हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान, पोपट में लिखा है इवन ट्रांसलेशन में कि क्यों भगवान जी उन नारद जी को ये नॉलेज प्रदान करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान उनकी भक्ति से बहुत खुश थे, हाँ, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी मच प्लीज्ड विथ नारदा। लुसिडली का मैंने मतलब वो देख रही थी कि क्या लुसिडली का मतलब, यानी एकदम सरल तरीके से, बोलते ना जब बटर को आग में रखते हैं तो कैसे एकदम सरल से वो पिघल जाता है, तो वैसे एकदम सरल तरीके से भगवान ने नारद जी को यह ज्ञान दिया, तो वैसे ये ज्ञान दिया। और आगे बताया जाता है कि जब तक हमारे जैसे एक बंजर जमीन है, हाँ, हम उसमें अगर बीज पोखने की करते हैं, हम सेवा करते हैं, उसमें बीज पोते हैं, पर अगर उस बंजर जमीन की ही इच्छा नहीं है कि मुझे फर्टाइल होना है, मुझे फर्टाइल लैंड बनना है, मुझे कुछ इसमें अपने अपने जमीन में अपने लैंड में से मुझे कुछ पैदा करना है, तब तक उसमें से कोई भी क्रॉप नहीं आएगा, भले हम उसमें सीड डाले कुछ भी डाले नहीं। तो जैसे बैरन लैंड है, तो उसकी इच्छा होनी चाहिए तब हम वो उगेगा। तो हमारी भी, हमारा भी ये शरीर है जो हमें अपने मन को काबू रखना है और अपनी स्व इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के प्रति कैसे हमको मुड़ना है, हमको कैसे उस साइड फेस करना है, हमको दुविधा नहीं चाहिए। जैसे और एग्जांपल देते हैं अर्जुन, पोपट में अर्जुन का भी बताते हैं, Why अर्जुन को भगवान अपना फ्रेंड मानते हैं और क्यों भगवत गीता का पूरा 700 श्लोक भगवान ने अर्जुन को ही दिया, और किसको क्यों नहीं दिया? इतने जन थे वहां पे तो कुरुक्षेत्र में, खाली भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? तो पहले तो बताया कि अर्जुन कैसे दुविधा में आ गया था। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं कि मैं अपने संबंधियों को और ये सबको देख के, हाँ, अपने रिलेशनशिप्स में अपने ग्रैंडफादर को देख के, अपने कजिन्स को देख के,
मेरा मैं अपना बो एंड एरो हाथ में नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा फिसल रहा है मेरे हाथ से, मेरी बॉडी शिवर कर रही है, ऐसा कभी मेरे लाइफ में नहीं हुआ था, पर अभी ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मेरे आंखों से अपने आप अश्रु बह रहे हैं। हाँ, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों नहीं लड़ पाऊंगा? क्योंकि वो अटैच्ड थे, इमोशनली अटैच्ड थे, पर जब और अटैच्ड थे पर बाद में जब सरेंडर हो गए, बोलना आई एम योर सोल, जब बोलते ना कंफ्यूज्ड हो गए थे, क्या था, कार्पण्य दोषो बहतर स्वभाव पृच्छामि, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। हाँ, फिर क्या बोलते हैं, देयरफॉर आई एम सरेंडरिंग अनटू यू, सरेंडरिंग अनटू यू, हाँ, नाउ यू बी द डिसाइपल ऑफ माइन, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आप मुझे बताओ। तब भगवान, क्योंकि वो 100% सरेंडर हो गया था, तब भगवान उनका अपना नॉलेज पॉज कर लेते हैं, वो युद्ध को थोड़ी देर के लिए, और अपना नॉलेज देते हैं। पर भगवान थोड़ी बोलते हैं कि चलो हटो, कि तुमको युद्ध नहीं करना है। वो तो था कि भगवान बोलते हैं तुम लड़ो या नहीं लड़ो, इस कुरुक्षेत्र में जो भी है अगेंस्ट, धर्म के अगेंस्ट, वो आज सब मरने वाले हैं। हाँ, तुम तो एक जरिया हो कि आप आपके थ्रू मरने वाले हैं, पर आप लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, आज तो उन सबकी मौत तो है। तो पर भगवान थोड़ी बोलते हैं कि, भगवान नॉलेज देते हैं उनको, हाँ, समझाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और ये सब पहले से ही मर चुके हैं, हाँ, ये खाली तुम्हें अपना धर्म निभाना है। तो आपको क्या करना है, आपको बॉडीली अटैच रहना है इन रिलेशनशिप से, कि आपको अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है जिसके लिए आप इसमें जन्म लिया है, तो आप बताओ। और एंड में और खुद नहीं लड़ते हैं कि चलो अर्जुन आप डर रहे हो, चलो ये बाण और ये वो मुझे दे दो, मैं मार देता हूँ सबको। नहीं, गुरु और आचार्य ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, वो अपने बच्चों को, वो अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं, और फिर बोलते हैं, जैसे कृष्णा ने कहा था अर्जुन को कि नाउ यू डिसाइड, आई हैव गिवन नॉलेज टू यू, नाउ यू डिसाइड कि क्या बेस्ट है, अभी तुम्हें क्या करना है, अभी आप बताओ, मैं तो चैरियटर हूँ, हाँ, मैं बताओ रथ इधर ले जाऊं या उधर ले जाऊं, अभी आपकी इच्छा है। तो वो इच्छा भगवान अर्जुन को भी देते हैं, नॉलेज तो प्रदान करते हैं, पर एंड में बोलते हैं अभी तुम बताओ कि क्या करना है। तो वैसे ही तो हमें वो करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए, जैसे अर्जुन ने करेक्ट डिसीजन लिया, बोलते चलो मेरा रथ सामने भीष्म पितामह के पास लेके जाओ, इधर लेके चलो। तो हमें भी माया को छोड़ के हमें सही ट्रैक ढूंढना है, हाँ, और कभी नहीं सोचना कि एंड तक हमको कोई हेल्प करेगा, निकालेगा कोई, नहीं, हमें नॉलेज प्रदान करेंगे गुरु और आचार्य, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, पर इच्छा हमारी है, हाँ, हमारी सोल एक अलग पार्ट एंड पार्सल है, हमारी इच्छा अलग भगवान ने दी है, तो हमें सोचना चाहिए कि उस इच्छा का हमको सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, ये हमारी लिटरली हमारा फ्रीडम है, और हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, सरेंडर करके हमें चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए कि हम स्मार्ट है, हम गुरु और अपने आचार्य को जब भी वो सामने आएंगे तब हम उनकी बात मानेंगे, और जब वो पीठ पीछे चले जाएंगे तो हम वापस अपना कार्य माया जाल में फंसे रहेंगे और अपना इंद्र तृप्ति करेंगे। नहीं, ये इंद्र तृप्ति नहीं हो सकता है। एक ही चीज बार बार इस पोपट में कहा गया है कि हाउ वी शुड सरेंडर टू लॉर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी शुड बी डिटरमाइंड, हाउ वी शुड प्रोसेस द भक्ति। हाँ, बहुत जन बोलते हैं, इवन मैं, मुझे इतना हंसी आ रहा था जब मैं ये सुन रही थी, कि मुझे भी हमेशा होता है, प्रभु जी मेरी चैंटिंग अच्छी नहीं होती है, प्रभु जी मेरा मन नहीं लगता है चैंटिंग करने में, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो आप भक्ति चारु स्वामी महाराज और प्रभु जी बोलते हैं, समझाते हैं कि क्या तुम्हारी इच्छा है चैंटिंग करने की, अच्छे से मन से क्वालिटेटिव चैंटिंग करने की, तुम्हारी इच्छा है कि भगवान तुमको 100% हेल्प करे, क्या तुमने 100% सरेंडर कर दिया भगवान को? हाँ, क्या तुम सोचते हो कि मैं जो भी है भगवान की इच्छा से होगा, और जो नहीं हो रहा है वो भगवान की मर्जी है? तो ये सोचना, खुद सोचना कितना इम्पोर्टेंट, ये सब मुझे आज मैं सुन रही थी ना, तो मुझे लग रहा था ये सब मेरे लिए है। हाँ, हम सबको बोलते हैं प्रभु जी मेरे लिए प्रे कीजिए, अरे नहीं हो सकता, हो सकता है, वो सेकेंड टर्म है,
फर्स्ट टर्म है हाउ वी आर डिटरमाइंड, क्या हम सरेंडर्ड हैं सब चीजों के लिए, क्या हमने आत्मनिवेदन कर दिया है बलि महाराज के लिए जैसे, क्या हम समझ पा रहे हैं भगवान की कितनी शक्ति है, क्या हम 100% सरेंडर्ड हैं भगवान के प्रति, हाँ कि भगवान सब कुछ है, इतना फेथ होना चाहिए। तो जब हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होगी ना, तब हमारी सब जो बकवास चीजें है ना, अनर्थ निवृत्ति और ये सब चली जाएगी और हम भगवान से अटैच होंगे, हाँ निष्ठा आ जाएगी, फिर आसक्ति भगवान से होगी, तब रुचि प्राप्त होगी, भाव प्राप्त होगा और फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। पर श्रद्धा फर्स्ट 9 stages ऑफ भक्ति में से हम कितना श्रद्धा भगवान के लिए है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज भी इम्पोर्टेंट है, श्रद्धा के साथ साथ जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे, भजन क्रिया नहीं करेंगे, तब तक अनर्थ निवृत्ति भी नहीं आएगी। पर पहले पहले श्रद्धा है, श्रद्धा रहेगी तो सब कुछ आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये लैडर वहां का वहां ही टिक जाएगा और आस्ते आस्ते शायद गुम भी हो जाएगा, आएगा नहीं आगे। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पोपट है ये भक्ति का आधारशिला बताया गया है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। अगर ये पोपट हम ध्यान से पढ़ते हैं बारंबार, 2-3 बार, तो हमें ये सब प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे कि हमारी भक्ति स्ट्रांग क्यों नहीं है, हम कहाँ लैक कर रहे हैं, प्रभुपाद जी हमको क्या बोलना चाहते हैं, कि क्या पुश बारंबार पुश करना बहुत जरूरी है, नहीं, हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो टाइम हो गया है, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पोपट पढ़ना है, क्योंकि ये पोपट में बहुत कुछ है और जो मैंने पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे तो हम इस पोपट पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एंड में ये श्लोका में भी है, 9th chapter में 10th chapter में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्, जो प्रीति पूर्वकम से प्यार से जो मेरे को भजता है सततम, तो भगवान क्या बोलते हैं, हाँ तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, तब मैं उनको अपना नॉलेज अपना ज्ञान प्रदान करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, ताकि वो मुझ पर आ सके वापस। तो बहुत सरल 10th chapter में चतुर्श्लोका में ये बताया गया है और हमें ये समझना चाहिए। तो मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी ये पोपट पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा है। The devotee and devotional service are two correlative terms. हाँ, जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक हम devotee नहीं बन सकते हैं। ये बहुत दो parallel train के दो tracks हैं जो बहुत साथ में चलते हैं। हाँ, जब हम devotional service करेंगे, भगवान के surrendered रहेंगे, गुरु और आचार्य के surrendered रहेंगे, उनकी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब हम devotee बन सकते हैं। Unless क्यों अभी लिखा भी है यहाँ पे, unless one is inclined to be a devotee of the Lord, he cannot enter into the intricacies of devotional service. Lord Shri Krishna wanted to explain the Bhagavad Gita, which is the science of devotional service, unto Shri Arjuna, because Arjuna was not only his friend but a great devotee as well. The whole process is that all living entities, being constitutionally parts and parcels of the supreme living being, the absolute personality of Godhead, have proportionately minute independence of action also. So the preliminary qualification for entering into the devotional service of the Lord is that one become a willing cooperator, and as such one should voluntarily, khud se, cooperate with persons who are, kisse humko sambandh rakhna chahiye, who are already engaged in the transcendental devotional service of the Lord. By cooperating with such persons, the prospective candidate will gradually, aaste aaste, ek hi din nahi ho sakta aisa kuch, will learn the techniques of devotional service, and with the progress of such learning, one becomes proportionately free from the contaminations of material association. Such a purificatory process will establish the prospective candidate in firm faith and gradually elevate him to the stage of transcendental taste for such devotional service. Thus he acquires a genuine attachment for the devotional service of the Lord, and his conviction carries him on the point of ecstasy just prior to the stage of transcendental love. Such knowledge of devotional service may be divided into 2 sections, namely preliminary knowledge of the nature of devotional service
एंड द सेकेंडरी नॉलेज ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन. भागवतम इज इन रिलेशन विद द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, क्योंकि भागवत खुद एक लिविंग एंटिटी है जो हमें नॉलेज प्रदान करता है. His beauty, fame, opulence, dignity, attraction, and transcendental qualities which attract one towards him for exchanges of love and affection. कब हम बोलते ना हमें प्यार उत्पन्न नहीं हो रहा है, भगवान का प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न होगा? अगर हम भागवतम नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, तो होगा भी नहीं. जब हम ये पढ़ेंगे तब ये सब चीज हमें प्यार प्रेम आस्ते आस्ते भगवान से प्यार होते रहेगा. एंड श्रीमद भागवतम द एफिनिटी बिकम्स आर्टिफिशियली कवर्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल, है ना. भगवान के लिए प्रेम सबके पास है, सबके हृदय में है, पर क्या हुआ है वो हिंदी में बोलते हैं ना, अच्छंदित हो गया है, कवर्ड हो गया है. किससे? हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन से, माया से अच्छंदित हो गया है. तो वो कवरिंग हमको निकालनी है. कैसे निकालेंगे? श्रीमद भागवतम और भगवद गीता पढ़ के, हाँ, गुरु और आचार्यों का आश्रय लेके. Therefore, it is particularly mentioned herein that Srimad Bhagavatam acts like the lamp of transcendental knowledge. These two sections of transcendental knowledge in devotional service become revealed to a person who is a soul surrendered unto Vasudeva. And it is said in the Bhagavad Gita, such a great soul fully surrendered unto the lotus feet of Vasudeva is very, very rare. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स मात्मा सुदुर्लभ. इतने जन्मों और डेथ के बाद जो नॉलेज एक्चुअली इन नॉलेज है और जो भगवान को सरेंडर्ड है, हाँ, भगवान को समझ पाते हैं कि कॉज ऑफ ऑल कॉजेस सिर्फ भगवान है, सच अ ग्रेट सोल इज वेरी रेयर, तब हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम. कोई मेरी भूल चूक हो गई हो या पोपट समझाने में, मैं सच्ची में मैं बोल रही हूँ कि ये सब मेरे लिए ही था आज, कि कितना मेरे लिए नॉलेज था ना. तो आप सबको थैंक यू मेरे को सेवा देने के लिए. और रियली आई वाज सो सी पोपट कि हम क्या ही कर रहे हैं, इतना कुछ नॉलेज होने के बाद भी कहाँ हमारी श्रद्धा है. अभी तक हम फर्स्ट लैडर में ही है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम. थैंक यू माता, आपने बहुत बहुत अच्छा आपने आज का जो क्लास था बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम लोग भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे से इसका आपने उल्लेख किया. ठीक है, हमारा ही इच्छा नहीं है कि हमें आगे बढ़े. इसके कारण जो है हम लोग भगवान की कृपा से पात्र नहीं बन पा रहे हैं. हम भगवान तो दे रहे हैं हम लोगों को, लेकिन हम जो है ना, हमारा जो पात्र है हमारा बहुत छोटा है. इतना देना चाहते हैं हम, इसको लेना नहीं चाहते हम लोग. और बस हम लोग सेल्फिशनेस में रहते हैं हम लोग की, मतलब मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन सब दूसरों से प्रभु आप मर्सी कर दो, आप मुझे सब कि हम लोग चाहते हैं, मतलब हमको अपना एफर्ट नहीं डालना है उसमें. हम चाहते हैं कि सब ऑटोमेटिक हो जाए, तो वैसे होता नहीं है. और भगवान जो है, जो एलिजिबल क्वालिफाइड है उसी को जो है ये सब देते हैं. तो वेरी नाइस माता जी, आपका आज का क्लास मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो थैंक यू एंड हरे कृष्ण. हर ग्रेस लोपलिका माता जी की जय. बहुत 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 सुंदर क्लास था और हार्ट टचिंग, बोले ना ऐसे पॉइंट भी बोल सकते हैं कि आप जैसे तुमने बोला था स्टार्टिंग में मेरे लिए, वैसे मैं भी ये सोच रही थी कि मेरे लिए है. और वाकई में जो पॉइंट्स थे उसमें से मुझे एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, मतलब सब अच्छे थे. एक तो ये कि जैसे हमारी डिजायर होनी चाहिए, जैसे एक होता है कि मुझे करना है और मुझे करना ही है, उसमें फर्क हो जाता है. जैसे मटेरियल भक्ति में हम सोचते हैं कि मतलब जो हम मटेरियली कोई चीज में सोचते हैं ना कि मुझे तो ये कैसे भी करके चाहिए, मुझे तो ये कैसे भी करके मैं कर लूंगा, तो वैसा ही भक्ति में भी होना चाहिए कि नहीं, मैं कैसे भी करके मेरी भक्ति और बढ़ाऊंगी, मैं कैसे भी करके मेरा भक्ति और बढ़ाऊंगा. तो वो डिजायर हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए.
तो काफी पॉइंट्स बहुत अच्छे थे और मुझे आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, बहुत हार्ट टचिंग था एंड काफी कुछ सीखने मिला, समझने मिला। एंड बस भगवान को यही प्रार्थना करें कि हमारी भक्ति और अच्छे से आगे बढ़े और हम दूसरों को प्रोत्साहन दे सके। तो आज के क्लास में तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है कि हम अच्छे से सीख सके, और जो पर्पट में लिखा होता प्रभुपाद जी के जो पॉइंट्स है, और जो तुमने एक मम्मी पापा का एग्जाम्पल दिया था बच्चे को बड़ा करते हैं, तो वो भी जो कनेक्ट किया था वो भी बहुत सुंदर था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सुंदर क्लास था एंड थैंक यू सो मच, तुमसे आज बहुत कुछ सीखने मिला है। कई बार कई बातें पता होती है लेकिन बोलते ना डिवोटी होता है वो धक्का मारता है, ऑक्सीजन का काम करते हैं, तो हमारे लिए एक और थोड़ा आगे जाने का वो, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं मम्मियां बोलती है ना कि मैं तुझे धक्का नहीं मारूंगी तो आगे कैसे जाएगा, ऐसे हमारे लिए सब डिवोटी है जो हमको धक्का नहीं मारेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे। तो आज के क्लास में यही सीखने मिला, तो थैंक यू सो मच लोकपालिका। एंड जैसे प्रभु बोलते हैं ना कि आते रहना, तो तू तो मुझे कहीं मना करती नहीं है, तो मुझे 100% मतलब कि क्लास के बाद लोकपालिका मुझे हरे कृष्णा बोलेगी और थैंक यू बोलेगी, माता जी थैंक यू आप मुझे हमेशा सेवा देते हो, वो हमेशा की उसकी आदत है। तो रियली प्राउड ऑफ यू एंड बहुत अच्छा क्लास था। एंड और किसी को कुछ पॉइंट सेट करना हो कुछ हो तो जरूर बताना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आपका बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि हम कब तक हमको कोई फोर्स करता रहेगा उसके लिए, हमारे जैसे आपने बताया कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको अपनी जिम्मेदारी खुद को उठानी पड़ती है। तो बहुत अच्छा आपका पॉइंट लगा और बहुत अच्छी हमको प्रेरणा मिली है और काफी अच्छे दर्शन हुए आपके। थैंक यू माता जी और ब्रज प्रिया माता जी, आपने इनको इन्वाइट किया, मेरे को आज पुराने दिन याद है दामोदर देश के। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। माता जी बहुत सुंदर क्लास था जितना मैंने सुना, क्योंकि मैं सेवा में था, बट बहुत सुंदर क्लास था जितना भी सुना मैंने। एक बात मुझे इससे जो आपके सरेंडर से याद आई कि सरेंडर मतलब करना है, सरेंडर करना है तो सरेंडर जो है पहले तो भक्तों के आगे सरेंडर करना है, वहीं पर सरेंडर से जो शुरुआत होती है, बाद में हम भगवान के आगे जाके सरेंडर करेंगे। इधर भक्तों के आगे ही हमारा ईगो इतना ऊपर रहता है कि हम नीचे जो है ना झुकते ही नहीं है, कुछ भी बात होगी तो नहीं मैंने जो कहा वो सही है, जो तूने कहा वो सही नहीं है, और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वही सही है। तो कहने का अर्थ है कि दैट यू नो दैट ह्यूमिलिटी शुड कम, हम लोगों को जो हमारी डे टू डे दिनचर्या है उसके अंदर ही हमको पहले अपने आप को हम्बल बनाना है और अपने आप को जो है जितना हो सके अपने जो ईगो को जो है दबा के रखना है, मतलब उसको कंट्रोल करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम यहाँ से प्रयास करेंगे तब भक्तों के आगे से प्रयास करेंगे तब हम भगवान के आगे सरेंडर हो सकते हैं, वरना तो मुझे नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी, और जैसा आप बता रहे थे कि कुछ देर तक धक्का कर मार सकते, तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे स्कूल में भी हमको टीचर वही समझाती थी कि जैसे सबको पता होगा कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड, मतलब एक घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं लेकिन फिर उसको पिला नहीं सकते, वो खुद पीना पड़ेगा। तो जैसे हमारे गुरु महाराज वगैरह हमको उनके आशीर्वाद उनका कृपा देते हैं, लेकिन आगे चल के हमको ही मतलब वो कृपा को ग्रहण करके वी हैव टू प्रैक्टिस। और जैसे अभी आपने बोला चॉइस हमारे पास है, तो पहले ऐसे होता था कि घर में भले ही अच्छा अच्छा व्यंजन बनते थे हम लोग बाहर जाके खाना पसंद करते थे, उसी तरह से हमारे पास दोनों चॉइस है, या कृष्णा या फिर भक्ति। तो और जैसे आपने कहा कि चॉइस भगवान ने हमको दिया है, तो बहुत टाइम हम लोग गलत चॉइस करते हैं फिर भी सीखते नहीं। तो थैंक यू माता जी, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे आपने समझाए, it will help us in our devotional life. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Dhanyavad Pranam. Mataji बहुत सुंदर क्लास था और हर एक पॉइंट जैसे सबने कहा हर एक पॉइंट से सीखना सीखने को मिला। और जो आपने कहा शरणागति का कहा कि कैसे हम लोग शरणागति होते हैं, लेकिन अपने मन में यहाँ पर जो भौतिक इच्छा है वो पूरी तरह छोड़ते नहीं, जब वो पूरी तरह छोड़ देंगे तभी हम पूरी तरह कृष्ण को शरणागत हो गए और तब हमें पूरी कृपा मिलेगी। और दूसरा जो पॉइंट आपने कहा कि जब प्रभुपाद जी का जो कहा वो मुझे लगा
हमें पता है, फिर भी हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि हम कैसे भगवान हमारे पास नहीं, हमारे भगवान हमारी बात सुनते हैं कि नहीं, हमें हमेशा ये प्रश्न रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब भगवान मुझे कह रहे थे और मैं वही लिख रहा था जो भगवान मुझे कह रहे थे। तो हम लोग कितना टाइम देते हैं प्रभुपाद जी के बुक पढ़ने के लिए, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने के लिए? प्रभुपाद जी तो दिए है भगवान ने हमें, लेकिन हम लोग उनके लिए टाइम नहीं देते, इसलिए हमें पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती। और मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। जो मैंने सुना है वही मैंने कॉपी पेस्ट किया है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास था। और तांजो ॾाढो वो पॉइंट मुझे सुठो लगो था, ॾाढो खिलायो। जेको ता पॉइंट चयो आपने, बोला था कि ये बीच में कि भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं कि युद्ध करना ही है, और मैंने अभी तुमको सब बता दिया है, अभी तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहते हो। तो भगवान उसको कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी इनका मरण तो आज है ही, ये तो मरी वेंदा आज केरी भालत में। तो मतलब, और भगवान ये नहीं बोलते कि अच्छा तुम नहीं कर सकते हो, अच्छा ठीक है काम करो, ये बाण और ये बो एंड एरो मेरे हाथ में दे दो, चलो मैं ही मार देता हूँ इन सबको। बहुत हंसी आ रही थी कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वो ऐसा नहीं बोलते, वो हमें दिशा दिखाते ही हैं और बाकी का जो डिसीजन हमारे हाथ में छोड़ते हैं कि अभी तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, कि वो हमारे लिए नहीं कर सकते युद्ध। युद्ध हमें खुद ही करना पड़ेगा जो भी है, मतलब अपने लाइफ में। तो माता जी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण। ऐसा एक एग्जांपल था कि मुझे एक मन में याद आ रहा था कि हम और किसी के लिए हम वो प्रे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर खुद का इच्छे से करना। जैसे जैसा पेट, सबके पास अपना अपना पेट है, हम नहीं बोल, दूसरा मेरा खुद का बच्चा भी नहीं बोल सकता कि अरे मम्मा मैं आपके बदले मैं खा लेता हूँ, आपका पेट भर जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, सबको अपना अपना जितना भी प्रसाद खाना है वो खुद खाएंगे, तभी हमारी बोलते ना पुष्टि होगी, अन्न पुष्टि होगी। तो वैसे ही हमको खुद की बोलते ना भक्ति खुद करनी है, और कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। जब हम करेंगे तब हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोकपालिका माता जी, ऐसे ही आते रहिए और अपना एसोसिएशन देते रहिए माता जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज।